शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बच के निकल गया, लेकिन है कौन वो जो आशी के पीछे इस तरह पड़ा है, जो बार बार आशी पर अटैक कर रहा है। पहले बाहर अटैक किया, आज घर में घुस गया। मुझे आशी से बात करनी होगी, शायद उसे कुछ पता हो तो मुझे हिंट मिल जाए। लेकिन इस वक्त उसके घर जाना मेरा ठीक नहीं होगा। लेकिन उसको यहाँ अकेले भी तो नहीं छोड़ सकता, वो अटैकर दोबारा आ गया तो। नहीं नहीं नहीं, ये रिस्क मैं नहीं ले सकता, यही वेट करता हूँ। गीत आराम से जल रहा। क्या बच्चों की तरह चिल्ला रहे हो तुम? हाँ, एक काम तो सही से होता नहीं है। पहले तो लॉकेट गिरा के आ गए, और जब लॉकेट लेने गए तो मार खा के आ गए। तुम मेरी छोड़ो, अपनी देखो। तुम आराम से लग रही है मुझे। तुम्हारा वो सिड वो इतनी रात को आशी के घर के बाहर क्या कर रहा था? यही बात ना मुझे भी सता रही है। मुझे समझ नहीं आता कि आशी ने सिड पे ऐसा कौन सा जादू कर दिया कि उसको आशी के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता है। मेरी अभी भी चेन उस आशी के बैग में है, अगर वो किसी और को मिल गई ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हाँ हाँ, मुझे पता है, मैं करती हूँ कुछ, तुम चिंता मत करो। आशी जी। बाबा। बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? हाँ बाबा ठीक है। तो आज ऑफिस क्यों जा रही है? छुट्टी कर ले, आराम कर। नहीं बाबा, अभी शादियों का सीजन चल रहा है ना, तो ऑलरेडी बहुत बहुत हमने कर दी। अरे नहीं नहीं नहीं, आराम से क्या करती है, हाथ जल जाएगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मुझे भी छुट्टी मारे। हाँ क्या हुआ? नहीं, मुझे लगा मैं सपना देख रहा हूँ, क्योंकि हमारी दीदी किचन से चल के आ रही है। बाबा आप भी ना, हम कुछ अच्छा भी करें ना, आप हमारा मजाक ही उड़ाते हो। हम तो पिद्दी के लिए, आशी के लिए हल्दी वाला दूध लेकर आए थे, तो ठीक है ना, गर्मा गर्म दूध पी, आराम मिल जाएगा। दीदी तुम्हारा कितना ध्यान रखती है ना। थैंक यू, राम जी तेरी हर विश पूरी करे। हम कितना भी तुम्हारा ख्याल रख ले, लेकिन तुम्हारे मुकाबले ना कमी है। तुम जितना इस घर का ख्याल रखती हो ना, उसका आधा भी हम तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाते। बचपन से ही तूने हमें संभाला है, इस पूरे घर को संभाला है, तो इसलिए इतना तो कर ही सकते है। निधि ये हमारा घर भी है ना, हमारे घर की खुशी में हमारी खुशी है, सब कुछ हो हमारा। आप लोग सुबह सुबह इनका हम साथ साथ चालू हो गया। ओ गॉड, विद्या दी आपको तो रिंकल्स आ गए। ओ गॉश, कहाँ इतना जल्दी रहोगी ना, जल्दी आ जाएंगे। निधि तू ना मुझसे फालतू बातें मत किया कर। अरे गौरी दवाई देना। ले बेटा ये दवाई रख, पेन किलर है, पेन लो, खा लेना। हाँ थैंक यू बाबा। निधि पकड़। वॉलेट कहाँ गया? आपको देर हो रही है, हम अभी आपका नाश्ता बना लाते। काकी वो हमने पनीर और गोभी की सब्जी बना दी है, और साथ में रात के पराठे भी है। कतई जहर, हमारा परिवार बचा हुआ और बासी खाना खाएगा? इतनी सी बात समझ में नहीं आती तुम्हारी। कितनी बार समझाया है तुम्हें, हमें अपने परिवार का ख्याल रखना आता है, तुम्हें दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। ये मत दिखाओ कि तुम्हें हमारे परिवार की बहुत चिंता है। काकी हमने कल के लिए छुट्टी ले ली है, आप प्लीज परेशान मत होइए। अजीब तुम्हें देर हो रही होगी ऑफिस जाने के लिए। तुम्हारे साथ कहाँ जा रही है? हम तुम्हारी रक्षा करने आ रहे हैं, तुम्हारा बॉडी गार्ड बनकर। चलो हम अपनी रक्षा खुद कर लेंगे, तुम जाओ काकी के साथ रुको। नहीं नहीं, हम तो तुम्हारे साथ ही चलेंगे, कहीं वो वापस आ गया तो। पागल है क्यों? हम तुम्हारे कुछ नहीं सुनेंगे, हम तुम्हें शोरूम छोड़ेंगे और फिर हम कॉलेज जाएंगे, ठीक है? हम अभी। अच्छा मेरी माँ। चलो बाबा को पाने दे। हाँ जल्दी आ जाओ, हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं। अच्छा बाबा हम जरा वॉलेट भूल गए, आप चलिए हम वॉलेट लेके आते हैं, ठीक है? आप चलिए जल्दी आना। हाँ हाँ।
यहाँ क्या कर रहा? ओ हेलो सिड, सिड उठो, सिड, सिड। काका एक कॉफी। है? कॉफी? ओ हेलो, काका और कॉफी तुम्हारे घर मिलेगी। अब तो हम है यहाँ निधि। बाय द वे, तुम इतनी सुबह गाड़ी में यहाँ आकर क्यों सो रहे थे? एक मिनट, कहीं तुम पूरी रात तो यहाँ नहीं सो रहे थे? कहीं तुम आशी का पीछा तो नहीं कर रहे थे? ओ हेलो, मैं किसी का पीछा वीछा नहीं कर रहा। फिर? तुमने कहा था ना, मेरा स्टाफ, मेरी जिम्मेदारी है। तो बस आशी को ही सॉरी बोलने आया था। ओ, तो तुम एक्चुअली पूरी रात यहाँ पर थे सिर्फ आशी को सॉरी बोलने के लिए? बताना सच सच। अभी कुछ मत बोलना उसके सामने। निधि, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो रात को, वो तुम अपना पर्स कल ऑफिस में ही भूल गई थी, तो बस मैं अभी अभी वही देने के लिए आया। एक सेकेंड। हाँ, झूठे, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? कुछ नहीं। पता नहीं क्या करते हैं तुम। रात भर से हम ये वॉलेट घर पे ढूंढ रहे थे और ये किस स्टोर में पड़ा हुआ है। अरे बात बताओ, हम तो अभी स्टोर में ही आ रहे थे, बेकार में यहाँ पे आने का कष्ट क्यों किया? तो तुम्हें ऑटो के लिए पैसे चाहिए होंगे ना, इसलिए मैं देने आ गया। तुमने हमारा पर्स चेक किया? नहीं, मुझे लगा बस। बाबा भी हमें दे देते पैसे, उसके लिए तुम्हें यहाँ पे आने की जरूरत नहीं थी। खैर, सॉरी, थैंक यू। निधि चले? हाँ, मैं शोरूम ही जा रहा हूँ, साथ में चलते हैं। नहीं कोई बात नहीं सिड, हम निधि के साथ जाते हैं ना। चल निधि। निधि आराम से, अरे पैर में मोच आ गई, आउच। दीदी तेरा ध्यान कहाँ रहता है, पूरे टाइम दिमाग इधर उधर भटकता रहता है। रुक संभाल, हम अभी बाबा को कॉल करते हैं। नहीं 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 नहीं, बाबा को मत फोन करना, वो क्या है ना, तो मैं ना दीदी उस पैर में लगी है। तुम ना सिड के साथ चली जाना और छोड़ दो, हमें दोनों ही पैरों में लगी है। जाओ 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 जाओ, प्लीज 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 प्लीज, सिड के साथ जाना तुम। दीदी यार आशि, तुम्हारे पैरों में चोट लगी, हम आराम कर लेंगे ना। हम सच में तुम्हें छोड़ने आते थे, पर अभी सिड जा रहा है स्टोर, तो तुम जाओ ना उसके साथ। सिड के साथ जाओ, जाओ 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 जाओ, बैठो बैठो। अरे तुम क्या देख रहे हो, बैठ जाओ तुम। हाँ। जल्दी से निधि की बच्ची। अब आशि सेफ है, जब तक सिड आशि के साथ है ना, तो डरने की क्या बात है। क्या हुआ आशी? सॉरी, ये चोट कैसे लगी आशी? कुछ नहीं, तुम गाड़ी चलाने पे ध्यान दो। सर्दियों में ना कुल्फी खाने का मजा ही कुछ और होता है। आशी को कुल्फी खिलाता हूँ, इसका मूड फ्रेश हो जाएगा। क्या हुआ, जहाँ पे गाड़ी क्यों रुक दी? मुझे कुल्फी खानी है। सिर्फ इतनी सुबह सुबह कौन कुल्फी खाता है? मैं खाता हूँ, और वैसे भी सुबह सुबह कुल्फी खाने का मजा ही कुछ और है। लो दिल बहाल कुल्फी। भैया दो कुल्फी देना, मावा मलाई। सिंह, एक काम, तुम कुल्फी खाओ, हमें देर हो रही है, हम शोरूम जा रहे हैं। ये लो